नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के कोने कोने से धर्मांतरण के हैरत अंगेज मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ मजहबी कट्टरपंथी एक अभियान के तहत काम कर रहे हैं और हिंदू युवक युवतियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। कभी पैसों का लालच देकर तो कभी झूठे प्यार के जाल में फंसा कर उनका धर्म बदलवाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें यूपी के बागपत जिले के एक गांव की महिला से एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पहले तो कोर्ट मैरिज की और उसके बाद मुजफ्फरनगर ले जाकर जबरन उससे निकाह पढ़वाया और फिर महिला का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। महिला ने इसकी शिकायत बागपत कोतवाली में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने धर्म परिवर्तन की धाराओं में आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। आइए अब आपको ये मामला शुरू कैसे हुआ ये बताते हैं। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है कि बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव का एक युवक जो अपना नाम कपिल बताया था, उसके साथ उसकी साल 2011 में मेरठ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। कुछ समय बाद युवक उसको मुजफ्फरनगर के फुलत गांव ले गया और दबाव बनाकर उससे निकाह किया। मुजफ्फरनगर जाकर उसको पता चला कि कपिल हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है और उसका असली नाम कामिल है। ऊपर से वो 3 बच्चों का बाप भी है। महिला का आरोप है कि उसको बंधक बनाकर रखा गया और जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया और फिर उसका नाम पूनम से बदलकर राबिया रख दिया गया। वहीं उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित महिला ने बताया है कि मुजफ्फरनगर में एक गैंग सक्रिय है जो हिंदू युवतियों को फंसाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराता है। उसको ये बात मुजफ्फरनगर जाकर पता चली। महिला जब बागपत पहुंची तो इसकी शिकायत उसने बागपत कोतवाली में की। वहीं इस मामले को संज्ञान में आने के बाद बागपत पुलिस ने आरोपी कपिल उर्फ कामिल को धर्म परिवर्तन की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीईओ बागपत अनुज मिश्रा का कहना है कि महिला द्वारा बागपत कोतवाली पर शिकायत दी गई कि जिसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और मामले की जाँच जारी है। तो देखा आपने किस तरह से ये मजहबी कट्टरपंथ की आड़ में मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। पहले तो ये लोग जिहाद के नाम पर आतंकी हमले किया करते थे, मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दिया करते थे और उनको मौत के घाट उतार देते थे। लेकिन अब ये कट्टरपंथी प्यार का झूठा जाल बुनकर उनके विश्वास को ठेस पहुंचाकर उनकी आस्थाओं से खेलकर अपने जिहादी मकसद को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विकलांग और बाधिर गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।